जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। FSC पार्ट वन के अंदर चैप्टर नंबर वन में आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है जी अबाउट एरर्स। एरर्स क्या होते हैं और कितनी इनकी टाइप्स होती हैं, क्या इनके कॉज हो सकते हैं और कैसे इन एरर्स को रिड्यूस किया जा सकता है, ये आज इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एरर का मतलब क्या है? अगर एरर को हम सिर्फ उर्दू में ट्रांसलेट कर लें तो हमें इसका मतलब पता चलता है कि एरर का मतलब है गलती। अब गलती का यहाँ पे क्या मतलब है? गलती का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मैयर करते हैं तो मैयर करने के लिए हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज करते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने के दौरान हम मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर मुख्तलिफ पैमाइश हासिल करते हैं। ये पैमाइश जो है ये मुख्तलिफ क्यों आती हैं? ये एरर की वजह से आती हैं। ये एरर कैसे प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे और इन एरर्स को कैसे कम किया जा सकता है ये हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले अगर एरर की डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे लिखी हुई। एरर का मतलब है कि जब भी आप किसी चीज की पैमाइश करते हैं तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट आपके पास होता है और उस इंस्ट्रूमेंट के साथ आप उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद आप उसकी वैल्यू बताते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो दो चीजें मैंने लिखी हैं, एक है स्टैंडर्ड वैल्यू और दूसरी जो है ये है मेजर्ड वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू कौन सी होती है जी? स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके जो यूनिट्स हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनका एक स्टैंडर्ड है। लेट्स से 1 मीटर है तो 1 मीटर एक्चुअली कितना डिस्टेंस होता है इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड क्या होता है इसकी भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो वो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो एक्चुअली क्या है? वो स्टैंडर्ड है जिसको यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड वैल्यू कह रहा हूँ। और मेजर्ड वैल्यू क्या है? मेजर्ड वैल्यू एक्चुअली वो वैल्यू है जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए जो आप कैलकुलेट करते हैं जो आपको पता चलता है कि इसकी ये वैल्यू है उसको बोला जाता है मेजर्ड वैल्यू। तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आए तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें एरर है। स्टैंडर्ड वैल्यू को आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं एक्यूरेट नोन वैल्यू, कि एक्यूरेट नोन वैल्यू जो है वो कितनी है। तो एक्यूरेट के साथ और जो आपने एट द टाइम वैल्यू मैयर की है अगर उनके दरम्यान डिफरेंस होगा तो इसका मतलब है कि इस मैयरमेंट में कोई ना कोई एरर है। उस एरर की क्या कॉज हो सकते हैं वो बारी बारी यहाँ पे मैंने लिख दी है। सबसे पहले नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन हो सकता है कि जो बंदा वो पैमाइश ले रहा है उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है या उसकी नेग्लिजेंस है कि वो सही तरह से उसको मैयर नहीं कर रहा। और कौन सा कॉज हो सकता है? फॉल्टी ऑपरेटर्स जो है वो कॉज हो सकता है कि जो ऑपरेटर्स यूज किया जा रहा है वो एक्यूरेट नहीं है, उसके अंदर फ्लॉज हैं। वो किस तरह के फ्लॉज होते हैं वो हम लेटर ऑन जो है वो देखते हैं। इसी तरह इनअप्रोप्रिएट मेथड जो है वो भी वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द एरर है कि जो मेथड आपने अडॉप्ट किया है वो मेथड अप टू द मार्क नहीं था जितना आप वैल्यूज को मेयर करना चाहिए। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। नॉर्मली एरर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जिनमें से एक जो है उसको बोला जाता है दैट इज द रैंडम एरर और जो एक है उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। अब एक जो है पहले नंबर पे मैंने जो लिखा है वो रैंडम एरर है और दूसरे नंबर पे जो है वो सिस्टमेटिक एरर है। अब अगर रैंडम एरर को हम डिफाइन करें तो रैंडम एरर की डेफिनेशन होती है जी कि जब आप मुख्तलिफ मेयरमेंट्स रिपीटेडली लेते हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट से अंडर सेम कंडीशंस तो हर टाइम पे आपको वो डिफरेंट वैल्यूज देता है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज क्यों आती हैं? ये एक्चुअली डिफरेंट वैल्यूज आती हैं इस एरर की वजह से जिसको हम रैंडम एरर कहते हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। अक्सर आप लोग जानते हैं कि जब लैब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आप एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और हर दफा वो जो ऑब्जर्वेशन है वो प्रीवियस से थोड़ा सा डिविएट कर रही होती है, थोड़ा सा मुख्तलिफ होती है। हालांकि वही इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया, वही आपके पास लैब थी, वही इन्वायरमेंट था, तो वो डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? वो जो डिफरेंस है वो एक्चुअली रैंडम एरर है और रैंडम एरर की वजह से वो डिफरेंस आ रहा है।
और ये जो रैंडम एरर है, इसके अगर आप एग्जांपल की बात करें तो पैरालेक्स एरर जो है वो इसकी एग्जांपल के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। अब पैरालेक्स एरर क्या है? पैरालेक्स एरर को एक्सप्लेन करने के लिए ये साइट पे मैंने एक डायग्राम जो है वो स्केच की है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक जो है वो आपके पास फ्लूड है, और अगर उसका आपने ये लेवल चेक करना है तो आपके पास थ्री डिफरेंट जो है वो एंगल्स हैं जिससे आप देख सकते हैं कि इसका लेवल क्या है। लेट से पहले ही इस एंगल से भी देख सकते हैं, इस एंगल से भी देख सकते हैं, इस एंगल से भी देख सकते हैं, लेकिन इन तीनों एंगल से जब आप देखेंगे तो आपको जो वाटर लेवल है वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। एक तरह से उसके अंदर माइन्यूट सा जो है वो डिफरेंस होगा। ये जो माइनर सा डिफरेंस है ये किस वजह से आ रहा है? ये एक्चुअली पैरालेक्स एरर है, और दूसरे लफ्जों में ये रैंडम एरर की वजह से। तो ये रैंडम एरर है जी, और इस तरह करके किसी भी पैमाइश के अंदर ये अकर कर सकता है। फिर इसके बाद अगर इसकी कॉज की बात की जाए कि ये एरर किस वजह से हो सकता है, तो इसका जो कॉज है वो एक तरह से अननोन कॉज है। वो मे बी ड्यू टू सम इनएक्सपीरियंस भी हो सकता है, वो किसी नेग्लिजेंस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली यही कहा जाता है कि उसका जो है वो कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है। इसके बाद अगर हम रेमेडी की बात करें, रेमेडी क्या होता है कि एक पैमाइश आपने ली और उस पैमाइश में कुछ एरर्स आ गए। अब क्या उन एरर्स को हम ऐसे ही इनहेरिट कर देते हैं, या वो एरर्स ऐसे ही उन अमाउंट में, उन क्वांटिटीज में रहते हैं? तो जी नहीं, उन एरर्स को हम रिड्यूस करते हैं, और उन एरर्स को रिड्यूस करना जो है उसको बोला जाता है रेमेडी। और हर एरर की टाइप के साथ ये जो रेमेडी है ये चेंज होती है, डिफरेंट होती है। अगर हम रैंडम एरर की बात करें तो रैंडम एरर में हम ये रेमेडी कैसे करते हैं कि हम सेवरल मेजरमेंट्स लेते हैं और फिर उनका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको याद होगा कि लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम एक वैल्यू नहीं लेते बल्कि एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। वो इसलिए ली जाती हैं ताकि उसके अंदर जो रैंडम एरर अपीयर हो रहा है उसको रिड्यूस किया जाए। तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए एक से ज्यादा जो है वो ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं और फिर उनका एवरेज जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। जो दूसरी टाइप थी एरर की, इसको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। और जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, सिस्टमेटिक एरर मतलब सिस्टम की वजह से, सिस्टम मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर अपीयर हो रहा है उस एरर को बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? दिस एरर रेफर्स टू द इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल द मेजरमेंट्स इक्वली। अब ये जो एरर है ये सारी मेजरमेंट्स को इक्वली इफेक्ट करता है। ऊपर वाले केस में हमने देखा था कि जो रैंडम एरर होता है उसमें हर दफा जो क्वांटिटी है, जो मेजरमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट आती है। यहाँ पे हर केस में अगर बेशक मेजरमेंट डिफरेंट भी आ जाए लेकिन वो एक फिक्स फैक्टर से अफेक्ट होगी, और उस फिक्स फैक्टर को बोला जाता है दैट इज लेट से जीरो एरर। उसकी एक एग्जांपल है जीरो एरर सिस्टमेटिक एरर की, और वो जो फिक्स फैक्टर होता है वो एक्चुअली करेक्शन फैक्टर होता है, या वो लेटर ऑन जो है उसको देखते हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर की एग्जांपल है वो कौन सी होगी? वो जीरो एरर होगी। आपने अक्सर वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किए हैं तो उनको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले हम उनका जीरो एरर चेक करते हैं, और वो जो जीरो एरर है उस जीरो एरर को बोला जाता है दैट इज द सिस्टमेटिक एरर। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द कॉज। और कॉज क्या है इसके? इसके जो डिफरेंट कॉज है उनमें एक जो है वो पुअर कैलिब्रेशन हो सकती है, और दूसरा जो है मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो एक तरह से आप मार्किंग करते हैं वो मार्किंग जो है वो ठीक नहीं हुई, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। इसके बाद रेमेडी है। रेमेडी अगेन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इन एरर्स को कैसे रिड्यूस किया जाए, तो इन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए अगेन हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ हम कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर एरर जो है वो मिनिमम हो, जो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट था। फिर इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के दरमियान जितना डिफरेंस आता है एक्चुअली मार्किंग के अंदर या उनकी एक तरह से स्केलिंग के अंदर, उसको कंपेयर करके एक्चुअल वैल्यू में से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसा कि आप लोग
वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर फाइंड आउट करते हैं और उनकी करेक्शंस करते हैं। तो ये था जी एरर्स और एरर से रिलेटेड जो है वो थोड़ी बहुत डिस्कशन, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प आउट करेगी इस टॉपिक को समझने में। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं।